हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने हैं तो कैसे करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपको हाइड करने हैं, सबसे छुपा के रखने हैं, तो कैसे हाइड करेंगे इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में आए। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। जब फ़ोन की सेटिंग ओपन करेंगे तो इसमें आपको कहीं भी ऐप्स हाइड का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अपने ऐप हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो सर्च बार मिल जाता है इस पर जाएंगे और यहाँ आपको सर्च कर देना है। यहाँ आपको सर्च करना है HIDDEN, सिंपली आपको यहाँ सर्च कर देना है, सॉरी यहाँ आपको सर्च कर देना है हिडन ऐप। यहाँ मिल जाता है आपको, इतना घर सर्च करेंगे तो यहाँ मिल जाता है आपको हिडन ऐप्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके ऐप सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो एप्लीकेशन हमने पहले से लॉक कर हाइड कर रखे हैं और भी जो आपको हाइड करने में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने अमेजोन को हाइड कर देते हैं, फेसबुक को हम हाइड कर देते हैं, ये चार एप्लीकेशन हैं जो कि हमने हाइड कर दिए हैं। एक नेटफ्लिक्स को हमने हाइड कर दिया है। यहाँ से नेटफ्लिक्स को हाइड करने के बाद अब अपने यहाँ से हाइड कर देंगे। यहाँ आपको सेटिंग का आइकॉन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर हाइड वाले एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए तो इसे ऑन कर देंगे, चाहिए तो इसे ऑफ ही रहने देंगे। यहाँ मिल जाती है ऐप लॉक, जो एप्लीकेशन आपने हाइड किया अगर उन पर ऐप लॉक लगाना चाहते हैं तो इसे आप ऑन कर देंगे। सिंपली जो पैटर्न आपने डाला था वो यहाँ इसे सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ मिल जाता है आपको जेस्चर, तो जेस्चर पर क्लिक करेंगे जिसमें आपको ऑप्शन दिया जा रहा है अपने फ़ोन के अंदर जो आपके हाइड वाले एप्लीकेशन है उन्हें कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। यहाँ से हम बैक आते हैं। अब आपने जो एप्लीकेशन हाइड किए हैं वो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इसमें आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन हमने हाइड किए हैं वो आपकी स्क्रीन पर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपने जो एप्लीकेशन हाइड किए हैं अगर आपने यूज करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो उन्हें एक्सेस करने के लिए जो आपकी होम स्क्रीन डिस्प्ले, इस पर आपको 2 फिंगर से पिंच आउट कर लेना और आपको जो पैटर्न आपने डाला था वो ऐसा एंटर कर देंगे और हाइड वाले एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और हाइड वाली नोटिफिकेशन चाहिए तो इसे आप ऑन कर देंगे, हाइड वाले एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने ऐप्स हाइड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आप सब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।